शिवपुरी में भाभी की गला दबाकर हत्या करने वाले देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कई दिनों से भाभी की हत्या करने वाला देवर फरार चल रहा था। पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर देवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मंगल लोधी ने अपनी गर्भवती भाभी की गला दबाकर हत्या की थी। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम नया गांव ढंगी पंचायत भवन के पीछे से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी ने 27 अक्टूबर को अपनी भाभी की हत्या गला दबाकर की थी, जिस पर आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे मुखबरी की सूचना पर गिरफ्तार कर धारा 302, 25, 27 एवं अन्य धाराओं के साथ मामला दर्ज करते हुए न्यायालय पेश किया जाएगा। इस कार्यवाही में मुख्य भूमिका सब इंस्पेक्टर बीएल दोहरे एवं उनकी टीम की रही। सर, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी गर्भवती भाभी की हत्या की थी, क्या है पूरा मामला? यह 27/10/2022 की घटना है। एक ग्राम ढंगी नए गांव के अंदर एक महिला सप्ता लोधी की हत्या हुई थी, जिसमें एक बांटेड थे मंगल सिंह, और उसकी काफ़ी दिनों से तलाश की जा रही थी। तो रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति नए गाँव ढंगी में पंचायत भवन के पीछे नहर की पुलिया के पास में बैठा हुआ है। जब पुलिस उसके यहाँ दबिश दी तो उसके पास एक कट्टा मिला, और उससे जब नाम पता पूछा तो वो मंगल लोधी के नाम से जाना गया, जो हत्या का आरोपी में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने हत्या के आरोप में तथा एक कट्टा अवैध रूप से लिए हुए था उसमें गिरफ्तार किया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है।